पुणे में पोर्शे कार के हादसे की जांच में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। और इसकी शुरुआत 19 मई की देर रात से हुई, जब नाबालिग आरोपी ने अपने 4 करोड़ की महंगी कार से बाइक पर जा रहे 2 IT इंजीनियर्स को पीछे से टक्कर मार दी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद मौके पर पहुंचे 2 पुलिस अधिकारी, जिसमें एक IPI रैंक का अधिकारी था और एक SI रैंक का, उनके द्वारा जांच में लापरवाही की बात सामने आई। पता यह चला कि दोनों जो पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने घटना की जानकारी ना ही अपने आला अधिकारियों को दी थी और ना ही इसकी जानकारी उन्होंने कंट्रोल रूम में दी थी, जिसके बाद आनन फानन में दोनों पुलिस अधिकारियों को जो जांच कर रहे थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मामले में नया ट्विस्ट तब आ गया जब इलाके में अजीत पवार गुट के NCP के विधायक सुनील टिंगरे येरवड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां पर यह मामला दर्ज है, और वहां पर उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। अब विपक्ष इस बारे में आरोप लगा रहा है कि सुनील टिंगरे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे या लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल से सुनील टिंगरे की अच्छी खासी दोस्ती है। हालांकि अब भी इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जारी है। इस मामले में एक नया ट्विस्ट तब और भी आ गया जब यह पता चला कि जो नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल था वो ससून अस्पताल में बदला गया था, और इसकी जानकारी तब पता चली जो नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट देने का समय होता है उससे ज्यादा जब समय लगा, तो पुलिस को ब्लड सैंपल की रिपोर्ट पे आशंका हुई, जिसकी वजह से उन्होंने नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल और उसके पिता का, जो विशाल अग्रवाल जिनका नाम है, उनका ब्लड सैंपल एक दूसरे प्राइवेट लैब में भेजा, और जब उसका DNA रिपोर्ट मैच किया गया तो वो सही पाया गया ब्लड सैंपल, बल्कि जो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों को ससून अस्पताल से दी गई थी वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, यानी वो बदली हुई रिपोर्ट थी। बाद में जांच में ये भी पता चला कि जो नाबालिग आरोपी की ब्लड रिपोर्ट थी वो सही मायने में उसे डस्टबिन में भेज दिया गया। इस मामले में आशंका देखते हुए लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता मुंबई के JJ अस्पताल की जो डीन है पल्लवी सापले, उन्हें बनाया गया, और उनकी जांच रिपोर्ट में कई सारे खुलासे सामने आए हैं, जिसमें यह पता चला कि पूरे मामले में जो ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर थे, श्री हरि हरनोल और अजय तावरे, इन लोगों ने काफी ज्यादा लापरवाहियां की हैं जांच में ब्लड सैंपल की हेराफेरी में। पता यह चला है कि श्री हरि हरनोल को अजय तावरे ने दबाव दिया था कि वो आरोपी का ब्लड सैंपल चेंज कर दे, और इसके लिए उसे 3 लाख रुपए की लालच भी दी गई। हालांकि वो क्राइम ब्रांच में पूछताछ के दौरान श्री हरि हरनोल ने बताया कि वो ब्लड सैंपल नहीं चेंज करना चाहता था, लेकिन अजय तावरे ने उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव डाला था। आपको बता दें कि जांच में यह भी पता चला है कि अजय तावरे का आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल से काफी घनिष्ठ संबंध है, और जिस समय यह घटना हुई उस दिन आरोपी का जो ब्लड सैंपल हॉस्पिटल में लिया गया था, उस दौरान अजय तावरे, जो डॉक्टर अजय तावरे हैं, वो छुट्टी पर उस दौरान चल रहे थे। 2 मई से लेकर 25 मई तक वो लीव पर थे, लेकिन जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी उन्हें आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के द्वारा पता चला, तो वो ससून अस्पताल अचानक से 21 मई की रात को पहुंच गए, और उन्होंने सबसे पहले श्री हरि हरनोल, जो डॉक्टर थे जो ब्लड रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, उनसे मुलाकात की, और उन्होंने पूरी साजिश रची, जिसके बाद अब जांच में इन दोनों जो डॉक्टर्स हैं, श्री हरि हरनोल और अजय तावरे, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनके साथ शामिल हुए उस PN को भी सस्पेंड कर दिया गया है जिसने ये पैसे की लेन देन विशाल अग्रवाल के जरिए करवाई थी। इस मामले में एक नया पेच और भी आ गया है, क्योंकि ये पूरा मामला ससून अस्पताल का है, जहां के डीन विनायक काले हैं, उन्होंने इसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार को नहीं दी, और कहीं ना कहीं जांच में उनकी लापरवाही भी सामने आई है, जिसके बाद उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। चौंकाने वाला मामला एक और भी अब इस मामले में आ गया है कि जो ब्लड रिपोर्ट श्री हरि हरनोल के द्वारा दिया गया था, उसमें यह खुलासा हुआ है कि कुल 3 लोगों के ब्लड सैंपल पुलिस को दिए गए थे, जिसमें एक महिला और 2 एडल्ट मर्दों के थे, जिसमें से अब यह पता किया जा रहा है कि वो आखिर महिला जिसकी ब्लड रिपोर्ट
पुलिस को दी गई थी श्रीहरि हलनोर के द्वारा वो किसकी थी, यानी अब इंतजार करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से खुलासे फिल्मी इस पूरे प्रकरण में हो रहे हैं, कई और आने वाले दिनों में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन अरुण देवरुखकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, पुणे।